सुप्रभात मित्र, आशा करता हूँ आप सब बड़े होंगे। आशा करता हूँ आज का दिन बढ़िया जाएगा। मैं हूँ आपका दोस्त सूर्यकांत साड़ा और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल वाइल्ड नोमा में। अभी बज रही है 4:48 एंड यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। यहाँ से जो हम जाने वाले हैं नेक्स्ट जगह वो है 78 किलोमीटर, तो रूट वही रहने वाला है। पर उससे पहले गुवाहाटी में रुकेंगे क्योंकि गुवाहाटी से होकर जाना पड़ता है। तो गुवाहाटी में रुकेंगे कुछ देर एंड देन निकलेंगे। तो अब सीधा आपसे हम हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलेंगे और देखते हैं वहाँ क्या होता है और क्या देखना मिलता है। तो चलिए चालू करते हैं ये जर्नी और मिलते हैं आपसे फिर। वन सेवेंटी एट किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम फाइनली हमारी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं, यानी जहां रुके हैं वहां पहुंच चुके हैं। और ये है पवित्रा विलेज इको कैंप। और यहां पे आपको इको कैंप बहुत देखने मिलेंगे, हर जगह आपको इको कैंप मिलेंगे। कहीं पे भी जाए इको कैंप आपको यहाँ बहुत देखने मिलते हैं। यहाँ पे बात कर लें ये क्या जगह, तो ये पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये बहुत छोटा सेंचुरी है, 80 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में एक्चुअली ये जगह है मेरे हिसाब से, तो बहुत छोटी है और बर्ड वॉचिंग के लिए भी ये जानी जाती है। तो लेट्स सी क्या देखने मिलता है, क्या होता है और कैसा सब कुछ रहता है, साथ ही साथ क्या सफारी कॉस्टिंग और क्या सब सारी चीज़ें बैठती है। एक्चुअली जिनके यहाँ हम आए हैं वो एक्चुअली है ही नहीं, यानी कि वो गए हुए हैं नया गाँव दूसरी जगह। तो अभी आएंगे वो 2 बजे तक आएंगे, तो उनके लड़के को बोला है तो वो आएगा खोलेगा एंड देन देखते हैं क्या है रहने करने का और कैसा है सब कुछ। तो ओवरऑल जगह बहुत प्यारी है, शांत जगह है, खूबसूरत जगह है और गांव है, तो ये बढ़िया लगता है देखकर। तो लेट्स सी देखते हैं आगे क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। और सच्ची में देवाश्री दी नहीं होती तो बड़ी दिक्कत होती। मतलब हम जितना भी ट्रेवल कर पा रहे हैं, असम पिछली बार भी करें उनके कारण ही कर पाए हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप असम आते हैं या आपको अदर कोई भारत के पार्ट में घूमना है तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप अपने बजट में सारा काम करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छा उनका नेचर भी है और बहुत हेल्प कर रही है मेरी। तो देखते हैं अब वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है।